हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशली मैं फेशियल के ऊपर लेके आई हूँ। तो आज हम करने वाले हैं घर बैठे फेशियल। तो आप भी चाहते हो कि पार्लर जैसा जो महंगा फेशियल है वो घर बैठे आपके स्किन के ऊपर ग्लो करे, तो चलो आज मैं बताती हूँ सिंपल तरीके से आप घर बैठे ही कैसे अपने स्किन को ग्लोइंग स्किन बना सकते हो। तो आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डार्क धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जिसे ये स्किन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक टोमेटो, और टोमेटो को इस तरीके से आपको कट करना है, और टोमेटो की आपको एक स्लाइस लेनी है, और जो भी जूस है एक्सेस जूस इसमें ऐड करना है। बिकॉज सबसे पहले हमें करना है क्लीनअप, बिकॉज फेशियल की सबसे पहली स्टेप ही होती है क्लीनअप। तो हम घर बैठे टमाटर से क्लीन अप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेना है हनी। और हनी हमें जो बहुत ही कम हनी आपको यूज़ करना है, हाफ टी स्पून, और जो हमने टोमेटो लिया है उसमें ऐड करना है। तो टोमेटो में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं, जो कि हमारे फेस को ब्राइटन अप करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। और साथ ही साथ टमाटो में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो इस वजह से हमारे जो स्किन में डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल और झुर्रियाँ की प्रॉब्लम होती है इसे भी छुटकारा देता है। तो आप जो इसमें हम हनी मिलाए हैं, तो हनी ये जो हमने एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये क्लीन अप आपको 2 से 3 मिनट करना है। टमाटो के बाद आपको हल्के हाथों से इसमें मसाज करनी है क्लीन अप को, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देन 2 मिनट के बाद आपको नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है फेस को। देन क्लीन अप के बाद आता है हमारी नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी फेस स्क्रब करना, फेस को एक्सफोलिएट करना। तो यहाँ पे मैं स्क्रब के लिए बना रही हूँ टोमेटो जूस 1 चम्मच, और इसमें मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड किया है। तो ये हमारे स्किन के लिए बेस्ट है, और इसमें साथ ही साथ में 1/2 टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो स्क्रबिंग के लिए आप नॉर्मल शुगर ले रहे हो, अगर आप पीसी हुई शुगर नहीं ले रहे हो तो आपको बस 1/2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो कि शुगर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। देन आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना। तो जब आप अप्लाई करोगे धीरे धीरे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना, और स्क्रब किस तरीके से करना है ये मैं बताने वाली हूँ। जब आप अपने फेस के ऊपर ये मतलब शुगर का स्क्रब जो है वो अप्लाई करोगे, तो आप धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो ज़्यादातर आपको जो नोज़ है, नोज़ साइड में आपको ज़्यादा मसाज करनी है, और जैसे चिन साइड में आपको ज़्यादा मसाज करनी है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे जो ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से हमारे स्किन के प्रॉब्लम भी बढ़ने लगते हैं। तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जो कि हमारी ये डस्ट है, ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाए। और 1 मिनट के लिए मसाज करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे क्लीन कर लेना। तो 3rd स्टेप है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच राइस फ्लावर एंड 1 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो जूस। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और एक पेस्ट फॉर्म में आपको बनाना है, जिस तरीके से जब बाहर का जो फेस पैक होता है उस तरीके से आपको ये फेस पैक बनाना है। तो फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपके स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे स्किन के आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फेस टैनिंग, और फेस टैनिंग वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, और साथ ही साथ सनबर्न से हमारी स्किन धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, और जो पिंपल्स, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम से आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो सिंपल सी ये स्टेप आप फॉलो करना, तो धीरे धीरे आपके स्किन के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो सिंपल ये स्टेप आप अगर फॉलो करोगे तो घर बैठे आपके जैसे पार्लर वाला ग्लो है वो आप घर बैठे पा सकते हो। तो अब 15 मिनट के बाद ना ये सूख गया है, तो ये सूखने के बाद आपको कैसे रिमूव करना है, तो जो हमने टमाटर जो बच गया है तो उसी से आपको 1 मिनट के लिए आपको मसाज करके इसे रिमूव करना है। तो आपको सिंपल जो टमाटर है वो इसे फेस के ऊपर आपको रब करना है, और जो ये जो आप पैक है ये सूख गया है इसे आपको रिमूव करना है, और देन आपको इसे वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको इंस्टेंट अपने फेस के ऊपर फ़र्क दिखेगा।
तो गाइस ये स्टेप आप हफ्ते में 2 बार फॉलो कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो नहीं तो आप फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हो क्लीन अप करके। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करना और देखना, जैसे भी आप कहीं बाहर जाओगे तो आपका फेस जो है नेचुरल ग्लो करेगा, जैसे कि आप पार्लर से ही फेशियल करके आए हो। तो ज़रूर ट्राई करना। और गाइज अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।